नमस्कार। NIOS के योग अभ्यास श्रृंखला का आज सूर्य नमस्कार पे हम बात करेंगे और सूर्य नमस्कार सीखेंगे। सूर्य नमस्कार योगासनों में सबसे पहले किया जाने वाला आसन है। इसमें सबसे पहले तो ये बॉडी ओपनर भी है, इसका मतलब ये हमारे अंगों को फ्लेक्सिबल करता है, इनको लचीला करता है आगे के आसनों को करने के लिए। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार में हम जानेंगे कि ये किया कैसे जाता है, पर उसके पहले हम ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी है। सूर्य नमस्कार वैसे तो हर एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है, 5 साल की उम्र के बाद बच्चे भी कर सकते हैं इसे, पर इसकी कुछ सावधानियां हैं। जैसे अगर आपको हृदय संबंधित कोई समस्या है, आपकी बीपी हाई है, ब्लड प्रेशर आपका हाई है, या आप कुछ लंबे बीमारी से ऊपर आए हैं, या फिर आपका शरीर जनरली सामान्यतः ही कमज़ोर है, तो ऐसे में और फिर कभी आर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा समस्या है, या फिर आपके सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन से गुजरे हैं, तो इसमें हम सूर्य नमस्कार एक किसी योग विशेषज्ञ की सहायता लेकर पता करते हैं कि कब कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति सूर्य नमस्कार कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी। इनफैक्ट उससे उनका पूरा शरीर लचीला, बाहें सुदृढ़, कंधे मजबूत और सबसे ज़्यादा मेरुदंड लचीला हो जाएगा और सुदृढ़ भी हो जाएगा। तो सूर्य नमस्कार की सबसे पहली बात जो है वो ये है कि वो एक तो आपके अंगों को खोलता है और उसके साथ साथ इसमें 8 आसनों का समूह है जो कि हम 12 के सेट में करते हैं। 12 के सेट में 8 आसनों में से 4 आसन फिर से रिपीट होते हैं, मतलब उनकी पुनरावृत्ति होती है। और एक बार हम अपने दाहिनी ओर से करते हैं, फिर उन्हीं 12 आसनों को हम फिर बाहिनी ओर से करते हैं। सूर्य नमस्कार करने से पहले जो उसके अंतर्गत जो 8 आसन आते हैं उसको एक एक कर पहले सीखेंगे, उसके बाद हम सूर्य नमस्कार एक साथ में कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। तो पहला आसन प्रणाम आसन, जस्ट उस समय। और सूर्य नमस्कार में एक चीज़ ध्यान देना है, जब भी हम कोई भी आसन या अपना पोज चेंज करते हैं तो सांसों पे ध्यान रखते हैं, हमेशा सांस लेना और छोड़ना। मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे बगल में सटा के रखेंगे, कंधा रिलैक्स्ड, आराम से कंधे को रखेंगे, सीधी आँखें और इनहेल एक्सहेल, मतलब पहले सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए प्रणाम आसन, ये पहला आसन है। इसके बाद दूसरा आसन है हस्त उत्थान आसन। उसमें अपने हाथों को या तो आप हाथ ऐसे सटा के करें, या आप चाहें तो इसे सीधा आर्म्स को अपने हाथ बाहों को सीधा रखते हुए एकदम ऊपर स्ट्रेच करेंगे एंड आर्च बैक, पीछे की ओर झुकेंगे अपनी कमर से। और अपनी आँखों को ऊपर की ओर रखेंगे, हस्त उत्थान आसन। इसके बाद अपने हाथों को आगे की ओर खींचते हुए थोड़ा सा ठुड्डी आगे रखते हुए हम नीचे आएंगे और अपने फिंगर टिप्स को, अपनी उंगलियों के आखिरी हिस्से को टोज के इन लाइन रखेंगे और अपने हेड को नीचे जाने देंगे। ऐसे में जब हम नीचे झुकते हैं तो जब आपकी शरीर आपका शरीर इसके लिए तैयार नहीं है तो आप अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं और सिर को पूरा नीचे जाने देंगे। अगर आप पहले से आसन कर रहे हैं, आपका शरीर लचीला है, तो आप अपनी हथेलियों को ज़मीन पर लगाइए और अपने सिर को पूरा घुटनों की ओर जाने दें, पादहस्त आसन। इसके बाद यहाँ से चौथा आसन हम करते हैं, उसमें अश्व संचालन। इसमें राइट अपने दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे, घुटने जमीन पर,
यहाँ पे हमारा बायां घुटना जो आगे है वो 90 डिग्री के कोण पे होगा अपने थाइस से और जमीन से ऊपर की ओर लंबवत, और अपने हाथों को यहाँ रखें। अगर आप शुरू कर रहे हैं अपने योगासन तो आप अपने फिंगर टिप्स को सटा के रखें और अपने निचले कमर को नीचे की ओर दबाएं, अपने सीने को आगे करें, ठुड्डी ऊपर और ऊपर की ओर देखें। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आपके लिए ये आसान होगा, आपका शरीर लचीला हो तो पूरी हथेलियां जमीन को लग जाएंगी और आप ऊपर देखेंगे। इसके बाद हमारा पांचवा आसन, इसमें अपने टोज को, अपने पैरों की उंगलियों को जमीन पे टिकाते हुए घुटने को ऊपर ले जाएंगे। प्लैंक पोज कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसे दंडासन। इसमें ध्यान ये देना है कि आपके कंधे आपके कलाइयों के ऊपर, आपका पैर सीधा, घुटने सीधे, ना तो आपने कमर को नीचे झुकाना है ना ऊपर उठाना है। शुरुआत में अगर आपको इस पोज को करने में, इस आसन को करने में प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे झुकाना गलत है, आप इसे ऊपर उठा के रखें। नहीं तो अगर आप इस पोज में आ सकते हैं, यहाँ पे रहिए दंडासन, अपने फिंगर टिप्स से 6 इंच आगे देखेंगे जमीन पर। अगला आसन अष्टांग आसन, इसमें हमारे 8 अंग जमीन को लगते हैं। सबसे पहले हमारे टोज तो जमीन पे हैं, घुटने को लगाएंगे, अपने कोहनियों को बॉडी के पास, अपने शरीर के पास रखते हुए अपने सीने को जमीन से लगाएंगे और उसके बाद अपने सिर को, अगर शुरू में सिर लगाना मुश्किल है तो ठुड्डी को। ये हमारा 6ठा आसन था। 7वां भुजंग आसन, आपके दोनों पैर मिले होंगे, आपके टोज जमीन पर ऐसे फ्लैट पड़ेंगे और धीरे धीरे अपने शोल्डर्स को ऊपर करेंगे, चेस्ट को ऊपर, चिन अप। शोल्डर को कान की ओर नहीं रखना है, नीचे दबाएं और पीछे की ओर। यहाँ से आप 8वें आसन की ओर जाएंगे जो कि पर्वत आसन है, इन्वर्टेड वी भी बोलते हैं, डाउनवर्ड डॉग भी बोलते हैं, माउंटेन भी बोलते हैं। इसमें अपने हील्स को नीचे की ओर लगाते हैं, पूरे शरीर को उल्टी दिशा में वी की तरह बनाते हैं। ये 8 आसन और इसमें से 4 आसनों को हम रिपीट करते हैं। सूर्य नमस्कार या कोई भी योग आसन करने के पहले सबसे पहले हम मन को शांत करते हैं। कभी भी आसन हड़बड़ाहट में सांस ऊंची चल रही हो तो नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा है अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी और ठुड्डी जो है वो जमीन के समांतर। आँखों को बहुत ही हल्के से बंद करना है और अपने सांसों पे ध्यान देना है। अपने सांस के साथ अपने अवेयरनेस को सांस के साथ चलाएंगे, कैसे कैसे वो सांस अंदर जा रही है और कैसे वो सांस बाहर आ रही है। और इस तरह 3 बार लंबी गहरी सांस लेने के बाद सांस भरते हुए हम ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार। ओ
और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। इसके बाद हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू करेंगे। हम रोजाना कैसे सूर्य नमस्कार करेंगे उसको सीखेंगे। सबसे पहले हमने जैसे अपने ध्यान को साधा, उसी तरह हम अब थोड़ा सा अपने शरीर को थोड़ा खिंचाव देंगे, जिससे कि हमारा शरीर सूर्य नमस्कार करने के लिए तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। उसके लिए अपने पैरों को मिलाएं। अगर आप चाहें, आपके पैर नहीं मिल पाते हैं, कभी कभी पैर थाइज मोटी होती है तो नहीं मिल पाती, पैरेलल डिस्टेंस रखिए। अगर आपके दोनों पैर मिल जाते हैं, पैरों को मिलाएं, हाथ बगल में। हम ताड़ासन का पहले अभ्यास करेंगे, जिससे हमारा स्पाइन खुलता है। तो सबसे पहले इंटरलॉक करें अपने फिंगर्स को, बाहर की ओर हथेलियों को करें, और इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे अपने हील्स को ऊपर उठाएंगे, अपनी एड़ियों को, और पंजों पे आएंगे। फिर एक्सहेल करते हुए नीचे, ऐसा हम 3 बार करेंगे। फिर से एक बार करें, इनहेल, सांसों को भरें, ऊपर की ओर जाएं, एक्सहेल, हाथों को नीचे लाएं, एड़ियों को नीचे लाएं। तीसरी बार इनहेल, सांस छोड़ते हुए नीचे हाथ। इसके बाद हम तिर्यक ताड़ासन करेंगे, अपने पैरों को अपने हिप के डिस्टेंस पे खोलेंगे और सीधा खड़े होंगे, और अपने हाथों को फिर से इंटरलॉक करेंगे, फिंगर्स को धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाना, इनहेल करते हुए, और अपने बॉडी को पूरा, अपने शरीर को पूरा ऊपर तानेंगे, और एक्सहेल करेंगे, राइट साइड में अपने दाहिनी ओर झुकेंगे, आगे या पीछे नहीं झुकना, सीधे दाहिने की ओर। इनहेल करके ऊपर आएंगे, एक्सहेल करते हुए बाईं ओर, हाथ पूरा सीधे रहेंगे, आपकी ऊपरी बाजू जो है वो कान को छूती रहेगी। इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए फिर से दाहिनी तरफ जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए ऊपर। आपने देखा, मैंने अपने हाथों को ना तो मोड़ा ना आगे पीछे किया, ये हमें कान के साथ लगा रहा। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाएंगे, सांस छोड़ते हुए। इसके बाद हम अपने कमर को ट्विस्ट कराएंगे, घुमाएंगे दोनों ओर। इसके लिए सबसे पहले अपने बाजुओं को ऊपर करें, जो जमीन से समानांतर बनाए, आपस में भी समानांतर रहेंगे। सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ मुड़ेंगे और दोनों बाजुओं में दूरी बनाए रखेंगे, पूरा पीछे देखेंगे जितना घूम सकते हैं। इनहेल करके आगे, पैरों के बीच हिप डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, इतना ही दूरी बनाए रखेंगे हिप के डिस्टेंस के बराबर। ऐसे ही फिर बाईं ओर, सांस भरते हुए आगे। इस प्रक्रिया को एक बार और करेंगे, इस आसन को। एक्सहेल करते हुए दाहिनी ओर पूरा मुड़ेंगे, पीछे देखेंगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे आगे, और फिर से बाईं। एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए फिर सांस भरेंगे और आगे की ओर आएंगे, और हाथों को नीचे।
इसके बाद हम थोड़ा सा अपनी कलाइयों और बाजुओं को के जो जोड़ हैं उनको खोलेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने हाथों को बाहों को सामने सीधा रखें, कंधे की ऊंचाई पे एकदम सीधा। इसके बाद अपने कलाई को ऊपर मोड़ें, नीचे ले जाएं, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए धीरे धीरे करेंगे, सांस फिर छोड़ते हुए नीचे। इस तरह हमने अपने कलाइयों को ऊपर नीचे किया। अब अंगूठे को अंदर रख के हम योगिक फिस्ट बनाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे और इसको रोटेट कराएंगे, घुमाएंगे। बाहें एकदम सीधी। अब हम दूसरी दिशा में घुमाएंगे, 6 से 8 बार कर सकते हैं, मैं 4 बार कर रही हूँ। ओके, अब यहाँ से हम कलाइयों को मोड़ेंगे, अपने उंगलियों को ऐसे बना के कंधे पे रखना और आगे खोलेंगे, हाथ नीचे या ऊपर नहीं, पूरा स्ट्रेच करेंगे, अपने तानेंगे पूरे हाथों को। फिर से उंगलियों को मोड़े कंधे पे, फिर से ताने और इस तरह से अपने उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे, तानेंगे एक बार और। ऐसा भी आप 6 से 8 बार कर सकते हैं। इसके बाद अपनी उंगलियों को कंधे पर रखें और कंधों का घूमना करेंगे, रोटेशन ऑफ योर शोल्डर्स, पूरा स्ट्रेच करते हुए पीछे ले जाएंगे। आगे कोहनियों को मिलाना है, ऊपर और पीछे, इस तरह से। इसको भी 6 बार करेंगे एक दिशा में और इसके बाद हम इसकी दिशा बदलेंगे। अब फिर से अपनी कोहनियों को आगे मिलाना है, ओके, और तीसरी बार करेंगे। मैं 3 बार कर रही हूँ, आप इसे 6 बार कर सकते हैं। इस तरह से आपका नीचे से पैरों की उंगलियों से लेके कंधे तक पूरा जोड़, सारे जोड़ खुल गए। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए सबसे पहले अपना मैट बिछा लें और मैट में सबसे आगे खड़े हों, क्योंकि हम पूरी मैट की लंबाई का उपयोग करेंगे सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए। सबसे पहले हम एक सम स्थिति में खड़े होंगे, सीधा, कंधे आराम से आपके हथेलियां बगल में सटी हुई और चिन पैरल, आपकी ठुड्डी जमीन के समांतर। फिर शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। पहले हम दाहिनी ओर करेंगे 12 आसन, फिर बाईं ओर 12 आसन, ये पूरा मिला के 24 आसनों का है। इसके बाद सूर्य नमस्कार का 1 चक्र पूरा होता है, तो शुरू करते हैं। सांस लें और छोड़ें, फिर प्रणाम आसन। सांस लेते हुए अपने बाजुओं को ऊपर उठाएंगे, पहले पूरा तानेंगे और पीछे की ओर झुकेंगे और सिर आंखों को ऊपर उठाएंगे, ठुड्डी ऊपर, एक इसमें पूरा सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे, घुटना मुड़ेगा नहीं। फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर शरीर को तानते हुए नीचे आएंगे और मेरे बांह पूरे समय कान से लगी हुई है, अभी मैं अपने बांह को नीचे ले जाऊंगी और अपने सिर को जितना नीचे हो सके उतना नीचे ले जाएंगे। इनहेल करेंगे, राइट, सीधा पैर पीछे, दाहिना पैर पीछे, सबसे पहले बायां घुटना 90 डिग्री कोण बनाएगा हमारे जांघ के साथ। फिर हम पीछे अपने, जब इस पोजीशन में होते हैं तो हमारा टोज पूरा ऐसे, पैरों की उंगलियां पूरी फ्लैट रहती है। फिर जब हम पीछे जाएंगे दंडासन में आएंगे तो अपने टोज को इन करेंगे, अपने कंधों को कलाइयों के ऊपर
और थोड़ा आगे देखेंगे अपने फिंगर्स टिप से 6 इंच के लगभग आगे, जिससे कि हमारे नेक नीचे या ऊपर ना हो, ये भी पीठ से एक लाइन में हो। अभी हम अष्टांगासन करेंगे। सबसे पहले घुटना नीचे, फिर सीना, फिर ठुड्डी या आपका माथा। इस आसन में आपके एल्बोज खुले नहीं रहेंगे, आपकी कोहनियाँ खुली नहीं रहेंगी, साथ में लगी होंगी। इसके बाद भुजंगासन, आगे की ओर खिसकते हुए अपनी कोहनियों को शरीर से लगाते हुए पैरों को ऐसे सीधा करेंगे, टोज को, और धीरे धीरे ऊपर दिख उठेंगे। इसके बाद अगला आसन पर्वतासन। इसमें टोज इन करके पैरों को आप साथ भी रख सकते हैं, थोड़ा खोल भी सकते हैं, और पूरा अपनी हील्स को, अपनी एड़ियों को जमीन में सटाएंगे। इसमें भी आपका देखेंगे कान हमारे ऊपर की बाजू से लगी हुई है। फिर यहाँ से अब रिपीट करते हैं, 8 आसन हो गए। इसके बाद फिर से अश्व संचालन, दाहिने पैर आगे ऊपर देखेंगे। फिर बायां पैर आगे, पादहस्तासन। फिर अपने भुजाओं को ऊपर तक लाएंगे, यहां से ऊपर करते हुए 11वां। फिर से प्रणाम आसन। इस तरह हमने अभी दाहिनी ओर के 12 आसन कर लिए। अब सेम आसन हम बाईं ओर से करेंगे। बाईं ओर के लिए सबसे पहले फिर से पैरों को मिलाएंगे, हमारी हथेलियां साइड में, सांस को लेते हुए हाथों को ऊपर, एक्सहेल करेंगे फिर सांस छोड़ के हाथों को ऊपर, इनहेल करते हुए सांस लेते हुए हथेलियां ऊपर, पूरा बगल से अपने शरीर को तानेंगे, अपने हाथों को ऐसे खोल भी सकते हैं, पीछे की ओर झुकेंगे दूसरा। इसके बाद पादहस्तासन, आगे की ओर खींच के और धीरे धीरे नीचे आएंगे, अपने उंगलियों को अपने पैरों की उंगलियों के समानांतर रखेंगे, धीरे धीरे लेसर को घुटने से लगाएंगे। यहाँ से पिछली बार हमने दाहिना पैर पीछे किया था, इस बार हम पहले बायां पैर पीछे करेंगे, सांस लेते हुए और ऊपर देखेंगे, सीने को आगे करते हुए ठुड्डी ऊपर। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपने जो फोरहेड है उसको सिकोड़ेंगे नहीं, सीधा रखना है, चेहरा रिलैक्स्ड, एकदम शांत, चेहरे पे कोई धारी नहीं, कोई लाइन बनाना नहीं। ओके, इसके बाद पिछला टोज को टक करेंगे और फिर से दाहिना पैर पीछे ले जाएंगे, दंडासन, प्लैंक पोज। प्लैंक पोज के बाद अष्टांगासन, पहले घुटना लगाएंगे, आपके टोज यूं ही जमीन पे ऐसे रहेंगे, कोहनियों को बाहर नहीं खोलना, शरीर के पास खोलते हुए सीने को लगाएंगे जमीन में। अगर आपसे सिर लगाना मुश्किल लगता है, माथा नहीं लगा सकते, ठुड्डी लगाइए जमीन, और अगर माथा लगा सकते हैं, और यहाँ से आगे की ओर खिसकते हुए भुजंग, पीछे टोज फ्लैट, कंधे को ऊपर नहीं करना, फिर से टोज इन करेंगे और पर्वतासन।
सांस लेते हुए बाएं पैर आगे ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए पिछला पैर को ऐसे टक करके आराम से घुटने उठा के आगे की ओर लाएंगे आदहस्तासन। फिर अपनी भुजाओं को ऊपर लाएं, सांस लेते हुए पीछे झुके और सीधे प्रणायामासन। इस तरह से 24 आसनों का एक चक्र पूरा हुआ सूर्य नमस्कार। अगर आप बिगनर हैं ऐसा 3 चक्र कर सकते हैं। अगर आप मीडियम, आपके पहले से आपको थोड़ा आसन करने की आदत है या आपका शरीर लचीला है तो आप आराम से इसको 6 से 8 बार कर सकते हैं। और अगर आप इसे ज़्यादा करना चाहते हैं तो भी, अगर आपकी शक्तिशाली शरीर है तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 6-8 से ज़्यादा कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार को हम 3 स्पीड गति से कर सकते हैं। अगर हम इसे धीमी गति से करेंगे तो इसके लाभ ये हैं कि शरीर लचीला होता है। इसे अगर हम मध्यम गति से करें तो ये हमारे शरीर को सुडौल और बलिष्ठ बनाता है। और अगर हम इसे बहुत ही तीव्र गति फास्ट करेंगे तो इससे हम हमारा जो फैट बर्निंग होती है, हमारा वेट लॉस होता है, ऐसे में इसको हम वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे आपने देखा सूर्य नमस्कार में ज़्यादातर हम पीछे की ओर झुकते हैं, आगे झुकते हैं, इस तरह से हमारे जो आंतरिक जो हमारे अंग हैं उनकी उनको अच्छा स्क्वीजिंग होता है, उनको अच्छे से दबाव पड़ता है, फिर वो खुलते हैं, उनमें रक्त का संचार बढ़ता है। इस तरह से हमारे आंतरिक अंग बहुत ही स्वस्थ होते हैं, शरीर का जो आप लचीलापन देखेंगे, खास करके हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसका पीछे झुकना आगे झुकना, इस तरह से वो काफ़ी लचीला बनता है। आपने देखा हम दंड आसन करते हैं, इसका मतलब हमारी कलाई, हमारी भुजाएं मजबूत बनती हैं और जितने भी हमारे पाचन तंत्र हैं, हमारे श्वसन तंत्र हैं, उत्सर्जन तंत्र हैं, इन सब पे सूर्य नमस्कार का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। पर सबसे ज़्यादा सूर्य नमस्कार जो है, इसका नाम सूर्य इसलिए भी पड़ा है कि सूर्य जो है वो हमारे नेवल पॉइंट से, हमारे नाभि प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ये हमारा मणिपुर चक्र है, तो ठीक नाभि प्रदेश के पीछे सोलर प्लेक्स होता है, उसमें जब हम ये सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसका विस्तार होता है और वो सुडौल और सुदृढ़ भी बनता है। तो ऐसे में जब हमारा मणिपुर चक्र विस्तारित होता है तो हमारा पूरा शरीर शक्ति और स्फूर्ति से भर जाता है। सूर्य नमस्कार के मानसिक मन पे भी और हमारे माइंड पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये मन को शांत और इसके साथ साथ ये हमारे इंटेलिजेंस को, हमारे इंट्यूशन को, जो हम कोई चीज़ पहले से भांप जाते हैं, इसको बढ़ाता है। ये हमारे क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, जो हमें सृजन करने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाता है, लीडरशिप क्वालिटी को भी जन्म देता है। तो और फिर ये किसी भी आसन करने के पहले अगर आप कर लें तो आपका शरीर दूसरे आसन करने के लिए खुल जाता है और उसमें पूरी शक्ति सी आ जाती है। तो ऐसे में सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फायदे हैं। पर अगर आप दूसरे आसन नहीं भी कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार को प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो आप स्वस्थ और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से स्वस्थ रहेंगे। आपने देखा सूर्य नमस्कार में सांसों पे बहुत ही ध्यान दिया जाता है, हर एक पोज चेंज में हम सांस का लेना और छोड़ना करते हैं, इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की बहुतायत होती है और सूर्य नमस्कार से इससे बहुत फ़ायदे हमें मिल जाते हैं। उम्मीद है आपको सूर्य नमस्कार का ये आसनों का एक जो प्रोग्राम है वो अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे।
योग श्रृंखला के NIOS के दूसरे अगले प्रोग्राम में नए आसनों के साथ में हम फिर से हाजिर होंगे। आपका धन्यवाद।